दोस्तों कैसे हैं आप सभी। हमारे वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो एक खूबसूरत वाइन के बारे में है जो कि गर्मियों में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो वो कौन सा प्लांट है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में आप सभी लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब मैं इस तरीके की वीडियो आप सभी के साथ शेयर करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल सके। दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारा खूबसूरत सा अलमंडा वाइन है, येलो कलर का, बहुत ही प्यारा कलर है। मेरे पास ये 3 साल पहले था, यानी कि 4 साल बोल सकते हैं, जब मैंने गार्डनिंग शुरू करी थी उस टाइम पे ये प्लांट मैं वाइन लेकर आई थी। तब से मेरे पास वो प्लांट ख़राब हो गया था ओवर फर्टिलाइज़र की वजह से। और इस बार मैं नर्सरी गई तो वहाँ पे मैंने देखा फिर से, तो मैं लेकर आई हूँ। इसका प्राइस दोस्तों 40 रुपये है और मैं भी जल्द ही लेकर आई हूँ। गर्मियों में बहुत अच्छे से खिलता है। एक वाइन है देख सकते हो, अभी भी ग्रो बैग में ही लगा हुआ है। उससे पहले दोस्तों दिखा दूँ कि जो जाली वाली आती है ग्रो बैग, इसमें इसको लगाया गया है। और प्लस दिखा दूँ इसमें रेड वाली सॉइल यूज़ करी गई है, जो कि आपको पता है रेड सॉइल जो होता है प्लांट के लिए अच्छा नहीं होता है। और ज़्यादातर क्या होता है मेरे साथ, मैं बता दूँ अपना जो एक्सपीरियंस रेड सॉइल का, मेरा प्लांट हमेशा मर जाता है और मैंने देखा भी नहीं। और देखते हैं क्या होता है कि किस तरीके से ये लगते हैं। फ़िलहाल मैं कोशिश करूँगी इनको बचाने की। गर्मियों में बहुत अच्छे से ब्लूम होता है और मैंने ये भी नहीं देखा था बास्केट की, ये जो जाली वाली बास्केट आती है उसमें लगाई गई है। आई थिंक इनमें कटिंग जल्दी से लग जाती है, इसका मुझे कुछ पता नहीं है। तो चलिए मैं इनकी पहले रिपोर्टिंग करूँगी आज। और ये मिट्टी बता दूँ, ये मेरी गार्डन सॉइल है, जो कि मतलब दोस्तों मैं बता दूँ ये मेरी पहले गमले में कुछ लगा हुआ था और ये मिट्टी है यहाँ मैं यूज़ करूँगी। बहुत ही अच्छी मिट्टी है। इसमें मैंने पहले से ही बता दूँ क्या क्या था डाला हुआ था। इसमें राइस हस्क है, गार्डन सॉइल है, और इसमें दोस्तों सैंड भी सॉइल ऐड किया है ताकि मिट्टी भुरभुरी बन सके। और बर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, ये सारी चीज़ें रहती हैं। टाइम टाइम से मैं फर्टिलाइज़र भी देती रहती हूँ ताकि जो हमारा पौधा अच्छे से चलता रहे। तो फ़िलहाल सारा इनका ख़त्म हो जाता है जो भी चीज़ें रहती हैं। तो इसी तौर पे यहाँ पे मैं इनको फिर से रिचार्ज करूँगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दिखा दूँ दोस्तों, मैं लेने वाली हूँ बर्मी कंपोस्ट। आप लोगों को बता दूँ बर्मी कंपोस्ट हमारे पौधों के लिए कितना अच्छा होता है, देख सकते हो कितना समय ली हूँ। और भी ले सकते हो, तो वो प्लान ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, तो ज़्यादा मैं नहीं लूँगी। बर्मी कंपोस्ट मिट्टी को वेल्डन बनाने के काम आता है, प्लस इसमें बहुत ज़्यादा फास्फोरस, नाइट्रोजन, प्लस पोटेशियम होते हैं जो कि प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। यहाँ पे मैं फंजीसाइड पाउडर लूँगी दोस्तों। यहाँ पे मैंने फंजीसाइड पाउडर लिया, तो मिट्टी ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं बस 1 चम्मच काफ़ी है। इनको अच्छे से हमें मिला लेना है सारी चीज़ें। तो इस तरीके से बिल्कुल नॉर्मल सॉइल चाहिए होता है दोस्तों, तो स्पेशल सॉइल नहीं बनानी इनके लिए कि गर्मी ज़्यादा है, तो नॉर्मल सॉइल काफ़ी है। मिट्टी बस अच्छी होनी चाहिए। जो गमला लेते हैं दोस्तों उसका ड्रेनेज होल भी अच्छा होना चाहिए और उसमें जो हम ठीकरी वगैरह नीचे पत्थर डालते हैं ना वो भी डालना चाहिए। देखिए इसमें मैंने ड्रेनेज होल पहले से करके रखा हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा दूँ। देखिए इस तरीके से है, 3-4 मैंने बनाया हुआ है। तो ये छोटे छोटे से पत्थर हैं जिससे इनका ड्रेनेज होल ढकना है। और ढकने का मतलब ये नहीं होता कि इनको बंद करना होता दोस्तों, इनको हमें बस इस तरीके से रख देंगे तो जो एक्स्ट्रा वाटर नीचे आएगा ना वो ड्रेनेज होल से निकल जाएगा। तो चलिए मैं लगाती हूँ अपना अलमंडा को। पॉट की साइज़ बता दो दोस्तों, तो ये 8 इंच का पॉट है, देख सकते हो 8 इंच का है। और प्लांट तो ऐसे ही लगाना चाहिए, जैसे प्लांट हो वैसे ही हमारा पॉट का साइज़ भी होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा दोस्तों मिट्टी में भर लूँगी ताकि प्लांट अच्छे से मेरा बैठ जाए इस तरीके से। और इसको हम पहले रख कर देखेंगे कहाँ तक ये आ रहा, तो हाँ इतना तक होना चाहिए, मतलब इतना होना चाहिए ताकि पानी वगैरह जब हम दें तो उनको मिल सके। अगर ऊपर ही रखा रहता दोस्तों तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है प्लांट्स के लिए। तो चलिए मैं पहले इनको निकाल लेती हूँ ग्रो बैग से।
यहाँ पे दोस्तों मैं ग्रो बैग को खोल रही हूँ ऐसे, क्योंकि इस तरीके से निकालने से सही रहता है। तो बेल आप लोग को पता है बहुत ही नाजुक होती, पतली बेल ही होती, इस तरीके से देख सकते हो बहुत अच्छा सा है। और ये देखिए इसमें प्लास्टिक लगा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ इसको कट कर दूँ ताकि ये ख़राब ना हो। बेल देख सकते हो बहुत ही अच्छे से बेल हमारी तैयार है इनको लगाने के लिए। तो पहले हमें इसको कट करके निकालना है, तो मैं पहले इसको कट कर देती हूँ इस तरीके से सीजर से, ताकि डैमेज ना हो हमारा प्लांट। और मैं बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहती दोस्तों कि छेड़छाड़ इनके साथ में कुछ हो, वो कटिंग से ही फिलहाल इसमें लगा हुआ है देख सकते हैं। वो यहाँ पे रेड सॉइल भी रिमूव हो गई है, ये देखिए इस तरीके से लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कितनी छोटी सी रहती है, इसे हम लोग रेड सॉइल में रख के लगाते हैं, जो कि ये प्लांट के लिए बिल्कुल भी दोस्तों अच्छा नहीं होता है। तो ये जो मेन रूट्स आप देख रहे हो दोस्तों, इधर फैली हुई है, इधर फैली हुई है, तो ये तो सही है। बाकी जो ख़राब होने वाली चीज़ें थी वो मैंने हटा दी, एक्स्ट्रा घास वगैरह इनको भी रिमूव कर देना चाहिए। तो फिलहाल हमारा प्लांट सेफ हो गया है, और मैं इसमें इस तरीके से रख के लगा दूँगी। इस तरीके से मैं थोड़ा सा ये जो वहाँ की मिट्टी दोस्तों खोल देती हूँ, उसमें पहले से जड़ें फैली हुई हैं, और अब इसमें जो गार्डन वाली सॉइल हमारी वो लगानी है। हमें मिट्टी डालनी इस तरीके से अच्छे से, पहली बार में इनको फुल कर देना चाहिए। तो दोस्तों कटिंग जब भी ऐसे हो, इस तरीके से आप जब भी रिपोर्ट करें शाम के टाइम ही करें, और रिपोर्टिंग के बाद में इनको छांव में ज़रूर रखें जहाँ पर धूप ना आती हो, या पौधों के बीच में रखेंगे तो बहुत ही आसानी से ये लग जाएंगे। तो फाइनली ये हमारा अलमंडा जो वाइन है दोस्तों, ये रिपोर्टिंग इसकी हो गई है इस तरीके से। और मैं थोड़ा सा इसमें दोस्तों स्टिक लगाऊंगी इसके सपोर्ट्स के लिए, ताकि ये जो बेल है हमारी, बेल को चढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे स्टिक का सपोर्ट दे रही हूँ। अंदर तक मिट्टी में इनको इस तरीके से लगा दूँगी, उसके बाद में मैं बेल को इसे लपेट दूँगी ताकि अच्छे से चढ़ सके। और आप लोग को पता ही है कि बेल को सपोर्ट्स की ज़रूरत होती है, तो ये फिलहाल नहीं रुक रहा है, मैं किसी चीज़ का और सपोर्ट देके अलग पकड़ लिया। इस तरीके से करने से क्या होगा ना, बेल आपके ऊपर तक जाएगी, फ्लावर भी क्लियर देखिए इस तरीके से कली आ रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है। तो जो अच्छे से यहाँ पे मैं इनको दबा देती हूँ, हमें में वाटरिंग करनी है यानी कि पानी डालना है, पानी अच्छे से डाल दें ताकि ये सेट हो जाए। फाइनली दोस्तों ये मेरा अलमंडा वाइन की रिपोर्टिंग हो गई है, और इस तरीके से मैंने सपोर्ट दे दिया। ये नीम का दोस्तों टहनी था जो कि मैंने तोड़ के रखा हुआ था, कुछ पत्तियाँ मुझे ज़रूरत थी जिसकी वजह से ये मैंने रख लिया था, और नीम की जो स्टिक होती बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती। फाइनली इस तरीके से मैंने दोस्तों लगा दिया। अब देना है पानी, पानी भी हमें फर्स्ट टाइम में अच्छे से दे देना है, उसके बाद में ज़्यादा पानी नहीं देना है क्योंकि ओवर वाटरिंग की वजह से ख़राब हो जाती है। बस इस तरीके से पानी दे देना है, बाकी चीज़ें इन्हें छाँव में रखिएगा, जब अच्छे से प्लांट सेट हो जाएगा उसके बाद में आप इन्हें धूप दिखाते रहिएगा। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को अच्छी और हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी गार्डनिंग।